नमस्कार, आप दर्शकों का हमारे और हमारी टीम की तरफ से होली की रंगों भरी शुभकामनाएं। होली हमारे देश की प्राचीनतम त्योहारों में से एक है, जिसे विश्व की किसी भी देश में रहने वाले भारतीय अपनी परंपराओं को निभाते हुए बड़े ही उत्साहपूर्वक धूमधाम से मनाते हैं। होली प्रत्येक वर्ष फागुन माह के अंतिम दिन यानी पूर्णिमा के दिन से होलिका दहन करते हुए होली की शुरुआत की जाती है तथा चैत मास के प्रथम दिन हिंदी के नए वर्ष के आगमन के उपलक्ष्य में रंग भरी होली मनाते हैं। रंग यानी खुशियों का रंग, जिसे हमारा आने वाला वर्ष इसी रंगों जैसा रंगीन, हम और हमारा परिवार, समाज और देश रंगों की खुशियों में सराबोर रहे। होली का इतिहास है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा था, जो भगवान विष्णु का विरोधी था और अपने को भगवान कहलवाना चाहता था, किंतु उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे, इसलिए अनेकों बार प्रहलाद को मारने की कोशिश करने के बाद भी मार ना सके। तब अपनी बहन, जिसे आग में ना जलने का वरदान प्राप्त था, उसे प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठने का आदेश दिया। होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ जाती है, परंतु विष्णु भक्त प्रहलाद आग से सुरक्षित बचे रह जाते हैं, जबकि होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो जाती है। इस तरह बुराई जल जाती है और अच्छाई रह जाती है। इसी को हम भारतीय हर वर्ष बुराई को जलाकर राख कर देते हैं और दूसरे दिन अच्छाई के तथा नए वर्ष के आगमन की खुशी में रंगों वाली होली मनाते हैं। होली का दिन क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान मस्ती करते हैं तथा एक दूसरे को रंग गुलाल तथा गले लगकर होली मनाते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ लोगों की विचारधाराएं एवं संदेश। सारे चीज़ के स्वरूप बदलते हैं। होली का भी स्वरूप बदला है, आपका भी स्वरूप बदला है, हमारा भी स्वरूप बदला है, घर में भी स्वरूप बदला है, माँ बाप का रहने का स्वरूप बदला है। इसलिए सिर्फ होली का स्वरूप बदल गया है, और जब सोसाइटी पढ़ा लिखा होता है तो उसका रूपांतरण होता है, परिवर्तन होता है। पहले जिस तरह से रूढ़ होके होली खेले जाते थे, नाला में डाल दिए जाते थे, गंदे जगह पर डाल दिए जाते थे, कोई कहीं जा रहा है उसको पकड़ के रंग पोत दिए जाते थे, उसमें थोड़ा मिनिमाइज हुआ है। और कोरोना तो आते जाते रहता है, लेकिन बिहार में बहुत कोरोना का बहुत प्रभाव नहीं है, यहाँ के आदमी का अपना प्रभाव रहता है और उसमें परिवर्तन आया निश्चित रूप से, और परिवर्तन आना भी चाहिए। समय और परिस्थितियों के साथ जो बदलता नहीं है वो बाद में उसका परिणाम अच्छे नहीं होता। कैसे होली खेलना चाहिए अभी हम लोगों को, और आपका संदेश उनके प्रति कैसा है सर? क्या कोरोना में सोशल डिस्टेंसी है तो सोशल डिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए, बड़े बड़े समूह में होली का कोई त्यौहार नहीं मनाना चाहिए, अपने जहां निकटतम लोग हैं वहीं बैठ के शॉर्टकट में काम चलाना चाहिए। जब कोई आपदा और विपदा आए तो उससे लड़ने के लिए मानवीय जो तकनीक है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और होली में, बिहार के होली के लिए तमाम भाइयों को मैं बधाई, मेरा बधाई, उनका रंग इतना बेहतर चढ़े कि पूरा साल रंग उसमें रंगा रहें। लेकिन अपने अनुसार ही और जो परिस्थितियां हैं, जो कोरोना काल है, उसको ध्यान में रखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे टीम की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी, आपके भी पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, शुक्रिया सर। नमस्कार, मैं स्वाति, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सबों को होली की ढेरों शुभकामनाएं और खूब सारा प्यार। होली के इस रंगों भरे त्यौहार में मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। होली की याद आते ही होठों पे एक मुस्कान सी आ जाती है। होली का यह त्यौहार रंगों भरा है, खुशियों का हर एक रंग है इस पर्व में। पकवान की बात तो पूछे ही नहीं, गुजिया, बालूशाही, पुआ, कटहल की सब्जी, दही बड़े मुख्य हैं। यह पर्व बुराई पे अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। रासायनिक रंगों का प्रयोग ना करके अगर हम प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा होगा। हल्दी, टेसू के फूलों का रंग, गुड़हल के फूलों का रंग, अगर इस साल हम होली पे प्राकृतिक रंगों का
प्रयोग करें तो बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। इस साल कोरोना काल में घर से बाहर जाकर होली खेलना संभव नहीं, इस बार की होली घर परिवार में ही सीमित रहेगी। होली खेलें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली खुशियों भरा एक त्यौहार है, नए फसल के आगमन के उपलक्ष में, नए वातावरण के उपलक्ष में ठंडा का समय चला जाता है और धीरे धीरे गर्मी के समय आने लगता है, और उस बीच का जो समय होता है न ठंडा होता है न गर्मी होता है, एक बहुत ही सुहाना मौसम होता है जो सबको अच्छा लगता है, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, सबको अच्छा लगता है। पर पेड़ पौधे भी अपना अपना स्वरूप बदल करके नए नए पत्तों में सज जाते हैं नए वर्ष की आगमन के लिए। हमारा शरीर का जो स्किन है वह भी अपना स्किन धीरे धीरे छोड़ने लगता है। अभी तो केवल आग लगा दिया जाता है, होली में आग जल गया, होलिका हो गया, लेकिन नहीं, होली जलाने का भी एक परंपरा था। पंडित आते थे, पूजा पाठ करते थे, धागा से लपेटा जाता था, घर घर से गोईठा पकवान उस आग में डाला जाता था, समर्पित किया जाता था अग्निदेव को या प्रहलाद देव को या होलिका को। ये हमारी परंपरा थी। बच्चे अपना अलग मस्ती करते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, रात हो या शाम का वक्त हो, जिस समय भी, जिस समय मुहूर्त हो, उस मुहूर्त में हम लोग इकट्ठा होकर के ढोल मजीरा के साथ होली का दहन करते थे। लेकिन अब वो समय नहीं है, जब मन में आया कहीं भी इकट्ठा कर लिए और आग लगा दिए, हो गया होली का मतलब। एक केवल अब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको नुमाइश कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। आज के दिन तो पूरा गीला सिकवा सबको जला करके ख़त्म कर देंगे और कल रंग मनाएंगे, उन लोगों को होली में रंग लगाएंगे, अबीर लगाएंगे, एक दूसरे गले मिलेंगे और गले मिल करके उनको शुभकामनाएं देंगे, वो हमको शुभकामनाएं देंगे, जीवन रंगीन होगा, कि साल भर रंगीन रहेंगे। ये होली होता है। पहले होली में हम लोग आगे जा, ये क्या बोलते उसको, जोगीरा होता था, रात रात भर होली का गीत गाते थे, फागुन चढ़ते ही जगह जगह गांव गिरान के लोगों के दलान में बैठ करके हम लोग होली गाते थे। घर से पकवान आता था, भांग भी आता था पीने के लिए, और खूब छक्कर के पीते थे और खूब गाते थे। अब तो वो समय भी नहीं रहा, लोगों के पास फुर्सत भी नहीं है, नया आधुनिक युग आ गया है, तो अब तो बात ही अलग हो गया है। केवल अब परंपरा को बस खींच रहे हैं हम लोग। पहले तो हम लोग होली केवल रंग से मनाते थे, और किसी को भी रंग डाल दीजिए वो बुरा भी नहीं मानते थे, और आज किसी के ऊपर रंग डाल दीजिए तो लठ लेकर तैयार हो जाएंगे, सर फोड़ देंगे आपका। होली का मतलब ही है खुशी बांटना, खुशी लेना। ज़बरदस्ती किसी को होली के रंग लगाना भी नहीं चाहिए। अभी तो अभी सब रंग लगाना कोई बुरी बात नहीं है, वो आपको आशीर्वाद दे रहा है। रंग लगाना का मतलब वो आपको आशीर्वाद दे रहा है कि हाँ आपका जीवन सालों भर रंगीन रहे। और अभी तो इस बार और भी कृति आ गई है कि भाई कोरोना काल है, रंग थोड़ा सावधानी पूर्वक खेलें, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास भी निराला जी, इसलिए हम बोलना तो बहुत चाहते थे लेकिन क्या करें, आपका समय सीमित दिया हुआ है, इसलिए मैं कहूँगा कि आप रंग खेलें, अबीर खेलें, लेकिन उनकी अनुमति से खेलें। भाई आजकल के समय में किसी पर ज़बरदस्ती थोपा नहीं जा सकता है कि आप भी खुशी मनाइए। हाँ, अगर वो मनाने को तैयार हैं तो मनाइए। आपको अगर कोई रंग लगाता है, अबीर लगाता है, तो आप उसको आशीर्वाद दीजिए कि तुमने बहुत अच्छा काम किया मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, कि तुमने मुझे रंगीन सपना दिखा रहा है। ध्यान रखिए कि लोग बुरा न माने, और दूर से ही थोड़ा हाथ वगैरह मिला करके, गले लगा करके, और खुशीपूर्वक रंग मनाइए। त्यौहार है, साल में एक बार आता है, लेकिन हम लोग इसको यादगार के रूप में सालों भर याद करेंगे कि हमारे एक बंधु आए थे जो मुझके रंग के गए और मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका, होली मुबारक हो आप सबको। पहले जो होली खेला जाता था उसको कहते थे हुरदंग होली। उसमें क्या होता था, सुबह में लोग कीचड़, माटी, गंदे ये गोबर इत्यादि से होली खेला करते थे, और उसके बाद जो है रंग का समय होता था,
रंग के बाद फिर जो है शाम में अबीर खेलते थे और लोग झाल मजीरा पर जो है झूमते थे, नाचते थे, गाते थे। लेकिन आज जो होली हो रहा है वह रंग भी जो है होली का फीका पड़ते जा रहा है। शाम में निश्चित रूप से लोग एक दूसरे के पास में जा रहे हैं, अबीर खेल रहे हैं, लेकिन रंग का जो त्यौहार होली है उसका जो है थोड़ा सा मतलब जो है रंग में कहीं ना कहीं फीका पड़ा है। हम तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे कि होली ऐसा खेलें कि सभी लोग रंग में सराबोर हो जाएं और रंग का जो त्यौहार है उसका आनंद उठाए, उसका मनोरंजन ले, उसका जो है जो लाभ होता है उसको वो उठाए, एक दूसरे के साथ में मिल करके होली खेले, एक दूसरे के गले मिल करके होली खेले, एक दूसरे के घर जा करके होली खेले, एक दूसरे से संबंध बनाने के लिए होली खेले, ना कि जो है संबंध बिगाड़ने के लिए। और हम इस अवसर पर निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि होली का जो त्यौहार है उसकी जो गरिमा है, उसका जो संबंध है उसको बनाए रखें और सभी के साथ में मिल करके होली खेलें। कोरोना काल में निश्चित रूप से लोगों में जो है भ्रांति है, तरह तरह की भ्रांतियां हैं, तो जो सरकार का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है और जो घर में होली खेलना है वो सब मिल करके होली खेलना है, सैनिटाइज़र का प्रयोग निश्चित रूप से करना है, मास्क निश्चित रूप से लगाना है। और होली जो कहा जाता है कि रंगों का त्यौहार है, निश्चित रूप से उसके रंग को जो है और बेहतर करने का कोशिश करें और कोरोना जो काल है उसको जो है हम लोग रंग से जो है उसको ये कर देंगे कि कोरोना हम लोगों के लिए जो है कोई मायने नहीं रखता है। और होली शाम में जो हम लोग अबीर खेलते हैं वो अबीर भी जो है हम लोग अच्छा से खेलें, सभी घर में परिवार के साथ में मिल करके होली खेले, संबंध बना करके होली खेले। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम नितन वाला है और मैं सीतामढ़ी जिला के बरगनिया नामक स्थान की निवासी हूँ। सबसे पहले मेरे और मेरे परिवार के तरफ से आप सभी दर्शक को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। होली, होली का नाम सुनते ही हमारे मन के अंदर हर्षोल्लास, खुशी और उत्साह की लहर दौड़ जाती है। दरअसल होली होती भी है हंसी और खुशी का त्यौहार। होली को हम रंगों का त्यौहार भी कहते हैं। सच पूछिए तो हमारे जीवन में रंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हम एक उल्लासपूर्ण जीवन की कल्पना रंगों के बगैर कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन मैं बड़े ही दुख और अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगी कि आजकल की आधुनिकीकरण जीवन शैली और शहरीकरण, रासायनीकरण ने होली के रंग को भी फीका कर दिया है। होली का रंग भी अब फीका होने लगा है। तथाकथित स्टैंडर्ड लोग अब होली के दिन रंग गुलाल से होली खेलना, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के घर जाना, इन सब से कतराते हैं। और इससे भी मैं दुख की बात ये समझती हूँ कि इसका असर अब छोटे बच्चे और युवा वर्ग पे भी पड़ने लगा है। जब हम लोग बच्चे थे तो कई महीना पहले से ही होली का इंतज़ार रहा करता था कि हाँ होली के दिन रंग गुलाल लेकर अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ खूब धमा चौकड़ी मचाना, एक दूसरे से खूब मौज मस्ती के साथ होली खेलना, शाम को नहा धोवा कर नया कपड़ा पहनकर गुलाल लेकर घर घर जाकर अपने से बड़ों के पैर पर रख कर प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना। मगर आजकल ये सारी बातें देखने को नहीं मिलती है। आजकल होली के दिन में बच्चों के अंदर एक उदासीनता की भाव दिखाई देती है। तो मेरा कहना ये है
कि इस बनावटी आडंबर को हटाकर अपने अकेलेपन आलसीपन के भावनाओं से उभर कर एक दूसरे की बैर और ये भुलाकर भेदभाव भुलाकर खूब ही मस्ती और उल्लास के साथ होली खेलें। होली का दूसरा पहलू अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब होता है बुराई पे अच्छाई की जीत। शायद इसीलिए आग की लपटों ने भक्त प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई थी। तो मैं इसी के मद्देनज़र आज का मेरा रेजुलेशन ये उन मर्दों के लिए है जो कि होली के दिन रंग लगाने के बहाने हमारी बहनों महिलाओं और बेटियों को गलत मंशा से गलत जगह टच करते हैं छूते हैं। तो मैं उन मर्दों को आज ये कहना चाहूँगी कि वो आज के दिन ये प्रण ले कि वो अपने इस वाहियात हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो आज के दिन उनका गाल रंग और वो गुलाल के बजाय हमारे थप्पड़ों से लाल दिखेंगे। एक बार फिर मेरे तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। पहले हम लोग बचपन में होली खेलते थे तो गजब का होली होता था। हफ्ता दिन पहले से लोग स्टार्ट कर देते थे एक दूसरे पर कीचड़ फेंकना, एक दूसरे को तंज कसना, होटिंग करना। और लोग होली के दिन सुबह से ही क्या करते थे कि मिट्टी से कीचड़ से लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालते थे, फेंकते थे, लोगों को गिराते थे, ये करते थे। और शाम होते ही उसका स्वरूप बदल जाता था। जो ही शाम हो जाता था, 12-1 बजता था, तो लोग क्या करते थे, कुर्ता पैजामा पहनकर और गांव गलियों में घूमते थे। गली में घूमने के बाद क्या करते थे, हर एक के दरवाजे पर, जिसके दरवाजे पर जाते थे लोग, होली गाते थे। और होली गाने के क्रम में लोग मिठाई खाते थे, शरबत पीते थे और एक दूसरे के गले मिलते थे, अबीर गुलाल लगाते थे। और इतना लोगों में स्नेह प्यार था कि बड़ा आनंद आता था। जो जिससे कुछ कटुता भी होती थी, होली के दिन रियल में लोग एक हो जाते थे, मिल जाते थे। और हर एक के दरवाजे पर लोग जाते थे, आते थे, तमाम भीड़ रहता था। और लोग दूर दूर से छुट्टी में आते थे, सब कुछ करते थे और बड़ा आनंद आता था। सब लोग एक दूसरे के समाचार पूछते थे और गले मिलते थे और रंग अबीर गुलाल लगाते थे। बट आज की होली बड़ा डिफरेंट हो गया है। लोग एक दूसरे से कटते जा रहे हैं, सामाजिक दूरी बढ़ते जा रही है। लोग केवल अपने खास के यहाँ लोग जाते हैं, बाकी को भूलते जा रहे हैं। इसलिए ये होली पहले की तुलना में अब थोड़ा सीमित हो गया है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि COVID-19 है, ठीक है, COVID-19 तो और दूरी बढ़ा दिया, सोशल डिस्टेंस को बढ़ा दिया, लेकिन होली जो है मिलने का पर्व है, ये खुशी का पर्व है। अधिकांश आदमी टेंशन में रहते हैं, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, ज़िंदगी में कुछ आनंद लीजिए। सारे बीमारियों का घर टेंशन है। इसलिए मैं होली के शुभ अवसर पर आपको संदेश देना चाहता हूँ कि आप जहाँ रहे चिंता नहीं, चिंतन करें, खुशहाल रहे, प्रसन्न रहे, आगे की ओर बढ़ते रहे, सबका विकास हो और आपकी होली मंगलमय हो, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू। नमस्कार, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही हमारा नववर्ष भी है, होली के दिन से हमारा नववर्ष शुरू होता है, आप सभी को नववर्ष की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं होली के अवसर पर अपनी एक छोटी सी कविता आपको सुनाती हूँ। मौसम की पाती आई है, मौसम की पाती आई है, फागुन संग बहार लाई है, लाल पीले नीले नीले हरे रंगों की बौछार आई है। होली पर है ऐसा हाल, सभी के चेहरे भरे हैं गुलाल। मौसम की पाती आई है, फागुन संग बहार लाई है, निकल पड़ी है मस्तानों की टोली, निकल पड़ी है मस्तानों की टोली, सबकी जुबां पर है एक ही बोली, होली है आई, होली है आई, होली खेलो रे कन्हाई, होली है आई, होली खेलो रे कन्हाई, पकवान संग है ठंडाई। मौसम की आई है पाती, मौसम की आई है पाती, फिर से कोरोना की खुल गई है पोथी,
सबसे दुखद समय यही है कि इस वक्त कोरोना वापस आ चुका है अपने अलग अलग रूपों में। इसलिए मैं कह रही, मौसम की आई है पाती, फिर से कोरोना की खुल गई है पोथी। बच के रहियो अब की होली, कोरोना को करें हवाले होलिका के, कोरोना को करें हवाले होलिका के, हो जाए भस्म सारे वायरस, हो जाए भस्म सारे वायरस, नव वर्ष में मिट जाए भय सारे, नव वर्ष में मिट जाए भय सारे, मौसम की पाती आई है, फागुन संग बहार लाई है। आप सभी को एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपने अजय राज, और ये छोटा सा वीडियो के माध्यम से 2021 की होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अभी मुंबई में हूँ, मुंबई में कार्यरत हूँ, मेरा शगल का दौर जारी है, जिसके कारण मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ, लगभग 3 साल से घर नहीं गया हूँ, और उम्मीद है कि जब तक मैं अपने लक्ष्य के करीब ना आ जाऊँ तब तक फ़िलहाल जाने के लिए सोचूंगा भी नहीं। बस आप लोगों का आशीर्वाद मुझे चाहिए, हमेशा आप लोगों का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, ताकि मैं अपने बुरी से बुरी हालातों में स्ट्रॉन्ग रह सकूं, मेरा दिमाग काम कर सके और मुसीबतों को झेल के आगे बढ़ूं। हमारे राज निराला सर, जो हमारे गुरु भी हैं, हमारे पथ प्रदर्शक हैं, निराला सर आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपके चैनल के ज़रिए सभी दर्शकों से, आपके सभी दर्शकों से, अपने दोस्तों से, भाइयों से, अपने फैमिली मेम्बर से बोलना चाहता हूँ कि आप सब 2021 का होली अच्छे से मनाएं, खुशीपूर्वक मनाएं। और जैसा कि होता है हर त्यौहार में होता है कि लोग गांव में नशा करके लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो बस गुजारिश करूँगा कि आप सब लड़ाई झगड़ा ना करें, मस्ती फूल करें, है ना। साल भर का त्यौहार है होली, होली आया है, हम लोग एहसास करते हैं जब अभी घर से बाहर हैं तो त्यौहार का दिन भी घर याद आता है, और दिन तो हम लोग अच्छे से रह लेते हैं, स्ट्रगल कर लेते हैं, लेकिन जब त्यौहार आता है होली दिवाली और ऐसे बड़े बड़े त्यौहार छठ, तो उस समय घर की याद आने लगती है और ऐसा महसूस होता कि काश मैं भी घर पे होता और पूरी फैमिली के साथ ये त्यौहार सेलिब्रेट करता। तो चलिए, ये बुरा वक्त है कि घर नहीं जा पा रहे हैं, आएंगे, तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से अपने दोस्तों साथियों, अपने फैमिली मेंबर, हमारे भैया भाभी सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ में गुड्डू सर, पंकज भाई और हमारे राज निराला सर के फैमिली, जिसे मैं अपना फैमिली भी समझता हूँ, सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले जब वो होली आता था तो बहुत ही लोगों के मन में बहुत खुशियाँ और सारे लोग बहुत ही खुश होते थे, बहुत अच्छा लगता था। सारे लोग, हम लोग भी पहले गांव जाते थे, सारे अपने परिवार से मिलते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है। इस बार अब होली वैसा नहीं है, लोग बस सिर्फ अपने आप को एकदम दूसरों से अलग कर रहे हैं, अपने आप से ही अलग कर लिए हैं। और यहाँ अब ट्रेंड हो गया सिर्फ फैशन का, कहने का मतलब कि सिर्फ अलग अलग पिचकारियाँ, महंगे बच्चों को सिर्फ खिलौनों से मतलब है, और उनके पेरेंट्स भी यही कर रहे हैं कि सिर्फ खिलौने, और अपने परिवार से उन्हें दूर रख रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप होली बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करें, अपनों को कभी नहीं भूलिए, क्योंकि आपके सबसे अच्छे ये ऐसी ऐसी फेस्टिवल आती है, ये सिर्फ आपको अपने को याद दिलाने के लिए ही आती है, क्योंकि जब अपने आपके साथ है तो सब कुछ आपके पास है। तो बस मैं ये विश करती हूँ कि आपकी होली बहुत ही अच्छी हो, और जैसे ये होली सारी रंगों के साथ आती है तो उसी तरह से हर रंग आपकी खुशियों में भर जाए। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और अच्छे से होली मनाइए। आप सबको होली की शुभकामनाएं, थैंक यू।
हैप्पी होली भाई साहब, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, बधाई, अच्छे से मनाइए, सेहतमंद रहिए और कोरोना से बचे रहिए, हैप्पी होली। अरे होली होली है, बुरा नाम आना होली है, रंग रूपी है होली है, कोरोना टाइम में एकदम होली मना रहे हम लोग, एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने ही घर में व्यस्त रहिए। तो भाई जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना काल की होली थोड़ा फीका ही रहेगा, तन तो ना रंगा सकेगा पर मन को रंगने के लिए हमारे पास सिर्फ मोबाइल है और इसके द्वारा हम अपने मन के रंगों का तरंग अपने प्रियजनों को बौछार के साथ बौछार करेंगे, रंगों के जैसा अच्छे विचारे और शुभकामनाएँ प्रदान करेंगे एक दूसरे को। तो दोस्तों होली की ढेर सारी बधाइयाँ, अपने ही घर में खाइए मिठाइयाँ, बनाए रखें दूरियाँ, यही है हमारी मजबूरियाँ, बुरा ना मानो, सिर्फ बोली है बिना टोली के होली है, ना घर पर खेलें होली, कोरोना से ना करें ठिठोली, होली खेलें अपनों के संग, कोरोना ना कर दे रंग में भंग, सिर्फ मन में रखिए उमंग, हम सब हैं आपके संग। इन्हीं चंद शब्दों के साथ राजेश कुमार का रंगीन बधाइयाँ स्वीकार करें, धन्यवाद, होली बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बेंगलोर में कार्यरत हूँ मैं, विशेषकर होली के शुभ अवसर पर अपने घर पर आया हूँ बिहार में और जम के होली खेलूँगा दोस्तों और यारों के साथ। पहले तो हम लोग होली में हर साल घर जाते थे, तो बचपन में तो एक साथ ग्रुप करके निकलते थे, काफ़ी जो है ना हर्षोल्लास के साथ होली मनाया जाता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ा, लोगों की जो उत्साह है थोड़ी कमी आई, लोग सीरियस हुए अपने अपने काम के प्रति, लेकिन तभी भी हम लोग होली में एक जगह जरूर एकजुट होते थे। इस बार तो स्थिति बहुत गंभीर है, हम लोग हमें लगा था कि कोविड वैक्सीन आने के कारण, कोरोना का वैक्सीन आने के कारण परिस्थितियाँ सही हो जाएंगी, फिर से हम लोग होली सही मना पाएंगे, लेकिन अभी अभी जैसे जैसे केस बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे लग रहा है कि परिस्थितियाँ सही नहीं होने वाली हैं और पता नहीं किस तरह हम लोग मना पाएंगे, हम इस बार भी घर पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। तो आपने देखा और सुना इनके विचार और संदेश को। अब हमें अफसोस है कि आज हालात बिगड़ गए हैं, पूरा विश्व आज कोरोना वायरस के जंग से लड़ रहा है, स्थिति भयावह है, ऐसे में हम होली कैसे मनाएं? इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अपने प्रियजनों को अबीर का टीका लगा तथा हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन करें तथा एक दूसरे को शुभकामनाएं दें। पुनः आप दर्शकों का अभिवादन करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मस्त रहे, स्वस्थ रहे, रोज आगे बढ़े तथा सभी गिले शिकवे आज की होलिका दहन के दिन दहन करते हुए खूब खुशियाँ मनाएं।